दोस्तों, क्या आपके दिमाग में कभी ये क्वेश्चन आया है कि किसी कारण के चलते अगर आपके पास कोई फटा हुआ नोट आ गया तो क्या उसको आप बैंक में डिपॉजिट कर सकते हैं? तो दोस्तों, आरबीआई के गाइडलाइंस के हिसाब से आप अपना फटा हुआ और गंदे नोट को बैंक में एक्सचेंज कर सकते हैं, पर इसका एक कंडीशन है कि उस नोट को एकदम रियल नोट होना होगा, फेक नहीं। और पूरा पैसा रिफंड होगा या नहीं, ये पूरा निर्भर करता है उस कंडीशन के ऊपर। अगर सब ठीक रहा तो पैसा एक्सचेंज हो जाएगा। तो अब आप सभी के दिमाग में एक और क्वेश्चन आ गया है कि बैंक तो पैसा ले लेगा, पर उसके बाद बैंक उस फटे हुए नोट का क्या करेगा? क्या उसको फेंक देगा? क्योंकि वो नोट तो फटा हुआ है ना, और कोई कस्टमर तो नहीं लेगा, तो शायद फेंक ही देगा। तो इसको बताने के लिए तुम्हारा भाई है ना। तो दोस्तों, जब बैंक उस फटे हुए पैसे को एक्सेप्ट कर लेता है, तब उस पैसे को रिजर्व बैंक के ऑफिस में जमा कर दिया जाता है। और तब रिजर्व बैंक उस नोट्स को अलग करते हैं ये देखने के लिए कि क्या उस नोट्स को रीयूज करा जा सकता है या फिर नहीं। अगर कोई नोट रीयूज हो सकता है तो उस नोट को वापस किया जाता है, और जिस नोट को यूज़ नहीं किया जा सकता तो उस नोट को डिस्ट्रॉय यानी कि आग लगा दिया जाता है। और जितने ही नोट को जला दिया जाता है उतने ही नोट नया प्रिंट किया जाता है। और ठीक ऐसे ही कॉइन्स के साथ भी होता है। अगर कोई कॉइन को यूज़ किया जा सकता है तो उसको वापस किया जाता है, और जिसको रीयूज नहीं किया जा सकता उसको मेल्ट करके फिर से कॉइन बनाया जाता है, उसको डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता क्योंकि वो मेटल है, मेल्ट होगा, खत्म नहीं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कर सकते हैं और प्लीज़ सब्सक्राइब भी।